गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रहे प्रवेश परीक्षा के क्रम में गुरुवार को दो पालियों में बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और दोपहर की पाली में एमए फिजिकल एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। स्नातक और परास्नातक प्रवेश परीक्षा में 599 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के लिए कुल 800 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 201 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया। सुबह की पाली में आयोजित बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की प्रवेश परीक्षा के लिए 761 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। 567 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 194 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया। दोपहर की पाली में एमए फिजिकल एजुकेशन के लिए कुल 39 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। 32 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए, 7 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभ्यर्थी कृष्णकांत यादव, साक्षी सिंह, संजना चौधरी और सत्येंद्र विश्वकर्मा ने कहा। कृष्णकांत यादव, पेपर कैसा था? अच्छा हुआ है। किस तरीके का? बढ़िया पेपर था। साक्षी सिंह, पेपर कितना आया था? पेपर अच्छा रहा है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का था बीकॉम से। लॉ के क्वेश्चंस थे, काफ़ी इजी था, बस थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, निकल जाएगा बस। संजना चौधरी, पेपर आया था? पेपर सर अच्छा ही आया था, मतलब रात में तो बहुत पढ़े थे, बट उसमें से कुछ नहीं आता, सब अलग से क्वेश्चन आया था, मतलब उसके लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटर कोई अच्छे से पढ़ा होगा तो मतलब वो क्लियर कर लेगा। लग तो रहा है ऐसा। सत्येंद्र विश्वकर्मा, पेपर अच्छा आया था, हार्ड भी नहीं था और ना ही आसान था, मीडियम पेपर था, अच्छा गया है। लग रहा है निकल जाएगा, कंफर्म है।